दोस्तों, नई बाइक की टेस्ट राइड तो सभी करते हैं, लेकिन आज मैं करूंगा कुछ चली हुई नई पैशन प्रो पैशन एक्स टेक का, और आपको बताऊंगा कि भाई ये बाइक चलने में कैसी है। सबसे पहले आप देख लें कि भाई ये कितना चली हुई है। मैं ऑन करता हूं, यहां पर आप देखेंगे भाई हेलो मोटो आएगा, और उसके बाद आएगा 6359 किलोमीटर ये बाइक टोटल चली हुई है। तो अब मैं इसकी टेस्ट राइड करता हूँ, और टेस्ट राइड करके आपको ये बताता हूँ भाई कि ये बाइक चलने में कैसी है। इसको देखो, ऑन है, ऑन है ये, हाँ ठीक है, इसे आगे लगा के रखना। और हम दो लोग हैं, चलिए ये देखिए, ये तो भाग ही नहीं रही है। ये देखिए ना, मैंने ब्रेक दबा रखा है, मैंने कुछ नहीं दबा रखा है, नहीं तो आप सोचो। ये देखिए, तो कुल मिला के इसको चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसकी क्लच प्लेट ख़राब हो चुकी है, और वो भी बहुत बुरी तरीके से। बाइक बिल्कुल भी भाग नहीं रही है। तो मैं इसको खड़ी करके आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ, और कुछ टिप्स देने वाला हूँ इस बाइक से या फिर और बाइकों से संबंधित। ये देखिए, इसी को कहते हैं क्लच प्लेट ख़राब होना। जब क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है तो बाइक की स्थिति ऐसी ही हो जाती है जैसे इसकी हुई है। अब यहाँ पर मैं खड़ी कर देता हूँ, मैंने ज़्यादा लंबी टेस्ट राइड नहीं ली, क्योंकि क्लच प्लेट ख़राब है। बार बार उसको चलाकर, जैसे अगर मैं उसको चलाता हूँ, वो रिसीवर दे दो रिसीवर, तो अगर मैं इसको ज़्यादा चलाऊँगा तो ख़राब होने का चांस और ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई मैं क्यों ख़राब करूं किसी की बाइक को। फ़िलहाल ये 6000 चली हुई बाइक है। तो अब मैं अपने मोबाइल के कैमरे से आपको दिखाता हूं कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है या फिर कैसी है। तो दोस्तों, ये है नई हीरो पैशन एक्सटेक। इसकी हालत देखकर आपको शायद ये लग नहीं रहा होगा कि भाई ये पैशन एक्सटेक है, लेकिन आप देख लो फिर से एक बार। वैसे मैंने आपको दिखा रखा है, आप देखेंगे इसमें फुली डिजिटल मीटर मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे फुली डिजिटल मीटर, साथ में आप ये भी देख लें कि भाई कितना चली हुई है, और भी एक साल की नहीं हुई है ये बाइक। आजा भाई, 6360 किलोमीटर ये बाइक टोटल चली हुई है। यहाँ पर चार्जिंग है, और इससे पहले जो मैंने आपको राइड की वीडियो दिखाई गई, जो मैं चलाकर दिखा रहा था इसको, इससे पहले मैंने इसको चलाकर नहीं देखा था, तो उसको देखकर शायद आपको ये लग रहा होगा कि भाई जैसे मैं यूजर रिव्यू दे रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बाइक हमारे पास, जिनकी ये बाइक है वो इसलिए लेकर आए कि भाई उनकी बाइक भाग नहीं रही थी, पिकअप नहीं ले रही थी, तो उन्होंने कहा भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो भाई इसकी क्लच प्लेट 6360 किलोमीटर पर बिल्कुल ख़राब हो गई है, मतलब बुरी तरीके से ख़राब हो गई है, इसलिए ये पिकअप नहीं ले रही थी। और जब वो दिखाने आए, अब भाई उनकी इच्छा है वो सर्विस सेंटर में बनवाएं या हमारे पास बनवाएं, क्योंकि अभी वारंटी में है, और 6300 टोटल किलोमीटर ये चली हुई है, तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, अभी ये वारंटी में भी हो सकती है। लेकिन क्लच प्लेट की कोई वारंटी नहीं होती है, क्योंकि आपके उसमें सर्विस बुक में ये साफ शब्दों में लिखा होता है कि घिसने वाले पार्टों की वारंटी नहीं होती है। तो अभी इसमें मुझे सिर्फ इसमें पिकअप बिल्कुल भी नहीं लगा, और चलाने में मज़ा नहीं है, क्योंकि भाई इसकी क्लच प्लेट खराब हो गई है। अब मैं आपको इस बाइक की टोटल स्थिति दिखा देता हूं कि जैसे 6360 किलोमीटर चलने में इस बाइक की क्या स्थिति है। फ्रंट में देखो, अब ये तो कस्टमर्स के ऊपर है कि वो अपना लड़ाते भिड़ाते रहते हैं। यहां पर आप देखेंगे स्क्रैच है, यहां पर आप देखेंगे स्क्रैच है, और यहां पर आप देखेंगे जैसे पूरा ये इसमें कीचड़ लगा हुआ है, क्योंकि भाई हमारे यहाँ बारिश हो रही है और एक दो दिन से बारिश हो रही है। तो इसलिए इसके लिए आप कुछ ये ना कहें कि भाई मैं गंदी बाइक आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब ये जैसे इसमें बहुत ज़्यादा कीचड़, जब हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है गंदी तो रहेगी ही। और पीछे से स्थिति देख लें, बिल्कुल नई बाइक है, और धुलने के बाद ये बिल्कुल सही हो जाएगी। इधर इधर से दिखाओ, अब यहाँ पर अगर आप पेट्रोल टैंक देखेंगे तो इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा जैसे गंदी हो चुकी है। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि आप हमारा M2R प्लस प्रीमियम पॉलिसी यूज करें, M2R माइक्रो फाइबर यूज करें, और साथ में M2R शैम्पू का यूज करें, जिससे आपकी बाइक का जो वैल्यू है, कलर प्रोटेक्शन है, वो बिल्कुल बनी रहे। और वे सभी चीज़ें मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मिल रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब टोटल जैसे रिजल्ट की बात करते हैं कि भाई मुझे इस बाइक को चलाने में कैसा लगा 6360 किलोमीटर पर। तो सबसे पहले आप साउंड सुन लें इस बाइक का,
साउंड सही है, इंजन के साउंड में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। लेकिन भाई 6360 किलोमीटर पर इसकी क्लच प्लेट खराब हो गई है, जिससे ये बाइक बिल्कुल पिकअप नहीं ले रही है। अगर आप अचानक रेस दे देंगे तो ये 40 से ज़्यादा भागेगी नहीं, तो मतलब भाग नहीं रही है। अब ये क्लच प्लेट जब अगर हमसे कहेंगे चेंज करने के लिए तो हम कर देंगे, लगभग 1000 रुपये के अंदर में क्लच प्लेट जैसे चेंज हो जाएगी। अब वो खोलने के बाद पता चलेगा हब सेंटर कटा हुआ है या नहीं कटा हुआ है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक और काम की बात बता देता हूँ। जैसे कि कभी कभी ये होता है कि नई बाइक की जब क्लच प्लेट खराब होती है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है। ऐसे में ये होता है कि क्लच प्लेट खराब होती है, साथ में उसका हब सेंटर कट जाता है, तो आपका इंजन ऑयल वो बिल्कुल काला पड़ जाता है। फिलहाल मैंने इसका चेक किया, इंजन ऑयल काला नहीं पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब सिर्फ इसकी क्लच प्लेट खराब है और ज़्यादा इसमें कुछ खराब नहीं है। लेकिन फिलहाल 6360 किलोमीटर पर अगर क्लच प्लेट खराब होती है तो वो थोड़ा सा दुख होता है। और बाकी इस बाइक के बारे में मैंने पूरी वीडियो इसके फीचर्स वीचर सब बता रखे हैं। लगभग 95,000 से 96,000 तक ये पैसन एक्सटेक आती है, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है भाई। और मैंने आपको साउंड भी सुना दिया, माइलेज लगभग 60 के आसपास इस बाइक में आपको आराम से मिल जाएगी। तो अभी जो प्रॉब्लम लगी वो मैंने आपको बता दिया है और मैंने आपको दिखा दिया। और जो राइड की क्वालिटी थी, मैंने जैसे पहली बार इसको राइड किया तो मेरे पास ख़राब बाइक का ही इसलिए एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा था, बाकी बाइक देखने में और चलने में अच्छी लग सकती है। और दूसरी चीज़, एक सेफ्टी टिप्स देना चाहूँगा अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को। जैसे कि अगर आप कोई नई बाइक ख़रीदते हैं और बाई चांस उसकी क्लच प्लेट ख़राब होने लगती है, जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट वाली बात बताई थी, तो उसमें क्या होगा कि आपका ये जो क्लच है ये अपने आप हार्ड होता जाएगा। और अगर आपकी बाइक शुरू में जब आप नई लेकर आए थे तो जैसे स्टार्ट करने पर जैसे आप क्लच दबाएंगे और ये छोड़ेंगे तो ये इतने पर से बाइक उठने लगेगी आपकी, लेकिन ये यहाँ पर जा रही है। फिलहाल इसका क्लच इन्होंने ढीला करवाया, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हो। तो जैसे अगर आप नई बाइक लाएं, अगर उसकी क्लच प्लेट आपको लगता है ख़राब हो रही है, तो आप देख लें कि अगर पूरा छोड़ने पर क्लच उठ रहा है तो उसको आपको तुरंत के तुरंत सर्विस सेंटर पर जाकर उसको सही करवाना चाहिए, जिससे आपकी बाइक में ज़्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप उसको ढीला करवा के फिर सर्विस सेंटर में दिखा लें तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ये मैंने आपको एक सेफ्टी टिप्स दी अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को। धूप में वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएँ, क्योंकि हम बाइक और स्कूटर संबंधी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो में मैंने आपको पैसन एक्सटेक के बारे में पूरी जानकारी दी, साथ में इसमें जो कमियां आई उनको के बारे में भी मैंने आपको बताया। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे प्रोडक्ट को मीशो फ्लिपकार्ट अमेजन पर मिल रहे हैं, उनको ज़रूर खरीदें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।